गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सभी अध्याय 11 जिसका नाम है विराम चिन्ह, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक्सरसाइज हमारी है, निम्नलिखित शब्दों को सुमेल कीजिए। सुमेल का अर्थ है कि इनका सही से मिलान कीजिए। पहले आप लिखेंगे स्तंभा स्तंभ। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, थर्ड अर्ध विराम, चौथा प्रश्न सूचक और पांचवा योजक। ये जो सारे शब्द हैं इनके जो चिन्ह हैं आपको उनको सही चिन्ह से मिलाना है, लेकिन आप जिगजैग नहीं करेंगे, जो भी उसका निशान है चिन्ह है उसके आगे नंबर लिख देंगे। जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं इस तरह, तो इसके आगे नंबर 1। अल्प विराम, अल्प विराम हम इस तरह से लगाते हैं, इसके आगे नंबर 2। 3 अर्ध विराम, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, इसके आगे नंबर 3। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह का इस तरह से लगाते हैं, तो इसके आगे नंबर 4। योजक, योजक का चिन्ह ये है, इसके आगे नंबर 5। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो भी खाली जगह है उसमें जो सही शब्द आना है वो आपको इसमें लिखना है। नंबर 1, दो शब्दों का युग्म बनाने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, तो इसमें योजक आएगा। नेक्स्ट है, खाली जगह वाक्यों तथा खाली जगह वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। कहाँ कहाँ लगाया जाता है? तो विधानवाचक वाक्यों और आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? विधानवाचक तथा आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। नंबर 3, वाक्य में किसी शब्द को विशेष रूप देने के लिए खाली जगह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका? इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्न 4, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में खाली जगह चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है? प्रश्नवाचक, तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। धन्यवाद।